MNCs मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें कभी कभी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। MNCs इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नॉन स्टेट एक्टर का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और MNCs इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल और कॉन्ट्रोवर्शियल नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। MNCs के बारे में डिस्कशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रुककर हम ये समझ लें कि नॉन स्टेट एक्टर्स किसे कहते हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को, मतलब सब्जेक्ट मैटर को, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के ही एक्टिविटीज को, गतिविधियों को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी घटनाएं होंगी, वो या तो स्टेट एक्टर्स के द्वारा की जाएंगी या तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा की जाएंगी, और हम इन्हीं एक्टिविटीज को, इन्हीं घटनाओं को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत। ओके, तो स्टेट एक्टर्स के अंतर्गत आएंगे सारे कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं सभी स्टेट एक्टर्स के अंतर्गत आएंगे, जैसे इंडिया, USA, UK, जापान। और नॉन स्टेट एक्टर्स के अंतर्गत आएंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ओके, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट आउटफिट्स भी नॉन स्टेट एक्टर्स के अंतर्गत आएंगी। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन स्टेट एक्टर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते क्या है, मतलब क्या होता है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को। इसके बाद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस से जुड़े कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत, इन कॉन्ट्रोवर्सीज को भी हम समझेंगे। कुछ स्कॉलर्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को डिफेंड करते हैं, इन्हें सपोर्ट करते हैं, कुछ इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तो दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट को हम समझेंगे। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के सपोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें समझेंगे, इनके क्रिटिसिज्म में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं उन्हें भी हम समझेंगे। फाइनली MNCs को हम एनालाइज करते हुए एक कंक्लूजन प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते क्या हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, हम उन कंपनीज को कहते हैं, उन कॉरपोरेशंस को कहते हैं जो अपने कमर्शियल एक्टिविटीज को एक से अधिक कंट्री में ऑपरेट करती हों। अपने कमर्शियल एक्टिविटीज को जो कंपनीज एक से अधिक कंट्री में ऑपरेट करती हों, परफॉर्म करती हों, उन्हें ही हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? देखिए, एक कंपनी के द्वारा किया गया किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। ओके, अगर एक कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब सेल करती है, और कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा, ये सारे एक्टिविटीज को ही हम कमर्शियल एक्टिविटीज कहते हैं। और अगर एक कंपनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है तो उस कंपनी के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड या सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन एक ही कंट्री में कंप्लीट नहीं होगा। ओके, ये जो एक्टिविटीज है, कमर्शियल एक्टिविटीज के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रक्रिया है, जितनी भी गतिविधि है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इन्हें सेल करना, फिर इन गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन कंज्यूमर्स के द्वारा, ये सारी एक्टिविटीज एक कंट्री में, एक कंट्री के टेरिटरी के विद इन, बाउंड्रीज के विद इन कंप्लीट नहीं की जाएंगी। अगर कंप्लीट हो रही हैं एक कंपनी के द्वारा तो वो कंपनी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन कहलाएंगी, डोमेस्टिक कंपनी कहलाएंगी, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं कहलाएंगी। ओके, तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किसी कंट्री में होगा, किसी एक कंट्री में होगा, और फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन कहीं और होगा। तो इस तरह से अगर कोई कंपनी एक से अधिक कंट्री में ऑपरेट करती हो, अपने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी को एक से अधिक कंट्री में स्प्रेड करती हो, तो उस कंपनी को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। ओके, तो ये था एक MNC का डेफिनेशन, MNC क्या होता है, ये था इसका मतलब। अब हम देखते हैं कि इन रियलिटी, हकीकत में ये MNCs किस तरह फंक्शन करती हैं।
कैसे ऑपरेट करती हैं और क्यों कुछ लोग इन एमएनसीज को डिफेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और क्यों कुछ इन एमएनसीज के एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करते हैं। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया भर में ऑल ओवर द वर्ल्ड 63,000 से भी ज्यादा एमएनसीज हैं, और इनमें जो टॉप 500 एमएनसीज हैं उनके हेडक्वार्टर डेवलप्ड कंट्रीज में लोकेटेड होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज, जापान एक्सेट्रा। और इन एमएनसीज की प्रोडक्शन फैसिलिटीज कहाँ होती है? इन एमएनसीज की प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में लोकेटेड होती हैं। तो देखिए, इन एमएनसीज का ओरिजिन, इन एमएनसीज की शुरुआत डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही है, डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, और बाद में ये एमएनसीज अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को इन डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट करने लगते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इस शिफ्टिंग के प्रोसेस को, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट करने के इस प्रोसेस को हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ही क्यों? ये एमएनसीज अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को डेवलपिंग कंट्रीज में ही क्यों शिफ्ट करती हैं, ट्रांसफर करती हैं? देखिए, आंसर ये है क्योंकि इन डेवलपिंग कंट्रीज का पॉपुलेशन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण लेबर कॉस्ट में कमी आती है, और अगर लेबर कॉस्ट कम होगा तो मल्टीनेशनल कंपनीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो इन एमएनसीज का प्रॉफिट और अधिक होगा। इसके अलावा एक और रीजन है, इसके अलावा इन डेवलपिंग कंट्रीज का ह्यूज पॉपुलेशन एक कंज्यूमर बेस की तरह भी काम करता है। ये एमएनसीज अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को इन डेवलपिंग कंट्रीज में सेल भी कर सकती हैं। तो इन डेवलपिंग कंट्रीज के चीप लेबर को भी यूज करेंगी, और इन डेवलपिंग कंट्रीज के ह्यूज पॉपुलेशन को अपना कंज्यूमर बेस बनाकर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी यहाँ सेल कर सकती हैं। इसलिए अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को ये एमएनसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रांसफर करती है। लेकिन एमएनसीज का यही एस्पेक्ट, मतलब इन एमएनसीज का हेडक्वार्टर डेवलप कंट्रीज में होना और इनके बाकी एक्टिविटीज जिससे प्रॉफिट बढ़ाया जा सके, प्रॉफिट जनरेट किया जा सके, इन एक्टिविटीज का डेवलपिंग कंट्रीज में होना, यही एस्पेक्ट कॉन्ट्रोवर्सी का कारण बनता है। यही एस्पेक्ट कॉन्ट्रोवर्सी का कारण बनता है। देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा, एमएनसीज की एक्टिविटीज, इनका स्ट्रक्चर, इनके काम करने का तरीका, ये कॉन्ट्रोवर्सीज को जन्म देती है। कुछ स्कॉलर्स एमएनसीज को डिफेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनके एक्टिविटीज को डिफेंड करते हैं, और कुछ इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो स्कॉलर्स जो एमएनसीज को डिफेंड करते हैं, उनका मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम रिसोर्सेज का बेस्ट और एफिशिएंट एलोकेशन करना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना होगा। जो स्कॉलर्स एमएनसीज को सपोर्ट करते हैं, इन्हें डिफेंड करते हैं, वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप चाहते हैं कि रिसोर्सेज का बेस्ट एलोकेशन हो तो हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना होगा। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एकदम सिंपल शब्द में हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री फ्लो ऑफ मैन, मनी एंड मटेरियल बिटवीन एंड अमंग कंट्रीज। मतलब कंट्रीज के बीच बिना किसी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी बैरियर के ट्रेड का होना, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का होना, और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का भी आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच मूव करना, ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के इस गोल को अचीव करने में, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के इस ड्रीम को हकीकत बनाने में एमएनसीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसलिए एमएनसीज इंपॉर्टेंट है। ये एमएनसीज, दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ये एमएनसीज जब डेवलपिंग कंट्रीज में मूव करती हैं तो अपने साथ ये कैपिटल लेकर जाती हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर जाती हैं, टेक्नोलॉजी लेकर जाती हैं। एमएनसीज के डिफेंडर्स कह रहे हैं कि जब ये एमएनसीज डेवलपिंग कंट्रीज में मूव करती हैं तो अपने साथ ये कैपिटल लेकर जाएंगी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगी, और ये कैपिटल, ये इन्वेस्टमेंट, ये टेक्नोलॉजी पुअर कंट्रीज के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एमएनसीज के द्वारा किए गए इन इन्वेस्टमेंट को ही हम ट्रांस कैपिटल फ्लो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो एमएनसीज के द्वारा किया गया ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए एक वरदान, एक ब्लेसिंग साबित होता है। इन एमएनसीज के डिफेंडर्स का ये आर्ग्यूमेंट है। ओके, इन कंट्रीज के डेवलपमेंट के पेस को, गति को और अधिक बढ़ाता है। ओके, ये एमएनसीज इन कंट्रीज में, इन डेवलपिंग कंट्रीज में इंजन ऑफ प्रोग्रेस की तरह काम करती है, एक मॉडर्नाइजिंग फोर्स की तरह काम करती है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो एमएनसीज के सपोर्टर्स के द्वारा दिए जाते हैं, खासकर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के स्कॉलर के द्वारा दिए जाते हैं। ओके, लेकिन कई स्कॉलर एमएनसीज और इनके एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज भी करते हैं। आइए देखते हैं कि इन स्कॉलर्स के द्वारा किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। देखिए, ये स्कॉलर कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एक कंट्री को बेनिफिट होता है, लाभ होता है। ओके, लेकिन ये बेनिफिट कुछ लोगों तक ही सीमित होता है, कुछ एलीट क्लास तक ही ये बेनिफिट सीमित होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिडिल क्लास या लोअर क्लास तक नहीं पहुंच पाता, ये पहला आर्ग्यूमेंट है। ओके, एमएनसीज के अगेंस्ट ये पहला आर्ग्यूमेंट है कि एमएनसीज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होने वाला बेनिफिट कुछ लोगों तक ही सीमित होता है, कुछ एलीट क्लास तक ही सीमित होता है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास तक ये बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। इसके बाद एमएनसीज जब एक रिसोर्स रिच डेवलपिंग कंट्री में जाती है, जब एक एमएनसी एक रिसोर्स रिच डेवलपिंग कंट्री में जाती है, तो इनका एम, इनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। इन एमएनसीज का एम और ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, एक्सट्रैक्ट करना, और फिर इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में या फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना। ओके, लेकिन एमएनसीज के द्वारा किए गए नेचुरल रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन और एक्सट्रैक्शन से, नेचुरल रिसोर्स के एक्सपोर्ट से लोकल पॉपुलेशन को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचता। तो एमएनसीज डेवलपिंग कंट्रीज में जाएंगी, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करेंगी, एक्सट्रैक्ट करेंगी, फिर उन्हें एक्सपोर्ट करेंगी, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोकल पॉपुलेशन है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका। ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। तीसरा क्रिटिसिज्म, इन एमएनसीज के पास जो टेक्नोलॉजी होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, ये एमएनसीज अपने टेक्नोलॉजी को, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ शेयर करना नहीं चाहती, कभी शेयर करना नहीं चाहती। ये एमएनसीज डेवलपिंग कंट्रीज में जाएंगी, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगी, वहां के चीप लेबर को यूज करेंगी, लेकिन हमेशा हमेशा टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर रिलक्टेंट होगी, कभी भी टेक्नोलॉजी को शेयर करना नहीं चाहेंगी। ओके, तो ये तीसरा क्रिटिसिज्म है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, देखिए, एक डेवलपिंग कंट्री इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के क्षेत्र में, डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी के क्षेत्र में, एक डेवलपिंग कंट्री धीरे धीरे अपने ऑटोनॉमी को लूज करने लगता है इन एमएनसीज के प्रेजेंस के कारण। इन एमएनसीज के प्रेजेंस के कारण डेवलपिंग कंट्रीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी और डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी के क्षेत्र में अपने ऑटोनॉमी को, अपनी स्वतंत्रता को धीरे धीरे लूज करने लगता है। ये कैसे होता है, आइए इसे देखते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के पास कैपिटल की कमी होती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को यह पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैपिटल की जरूरत होगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, और ये कैपिटल, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, किसके पास होगा, एमएनसीज के पास, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पास। ओके, तो डेवलपिंग कंट्रीज के गवर्नमेंट एमएनसीज के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इन एमएनसीज का भी अपना कंडीशन होता है। ये एमएनसीज उन्हीं कंट्रीज में जाएंगी, उन्हीं कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगी जहां ट्रेड बिल्कुल फ्री हो, मतलब ट्रेड में, मार्केट में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया हो, गवर्नमेंट अपने टेरिटरी के भीतर भी इन एमएनसीज के एक्टिविटीज, बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए किसी भी तरह का कोई पॉलिसी या कानून नहीं बनाई हो। अगर एक कंट्री में ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं, तभी तभी एक एमएनसी उस कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज अपने रेगुलेशन इम्पोज करने के पावर को कम करती है, कम से कम रेगुलेशन वो लाती हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को अपने ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ओके, तो ये दो तरह के पोजीशंस हैं, दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इन और ये जज करना कि कौन सा आर्ग्यूमेंट एमएनसीज के डिफेंडर्स का आर्ग्यूमेंट सही है या उनके क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट सही है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। लेकिन हाँ, हम इन आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं,
एमएनसीज के प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं और एक कंक्लूजन, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन रखने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कुछ कंट्रीज के ऊपर एमएनसीज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जरूर पड़ा है। इनके डेवलपमेंट में, इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन में एमएनसीज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इन कंट्रीज को हम एक ग्रुप में रखते हैं, इन कंट्रीज को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसे हम न्यूली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज कहते हैं। इस ग्रुप में मेनली कुछ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है उनके रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया। इन्हीं ईस्ट एशियन कंट्रीज को न्यूली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज के ग्रुप में रखा जाता है। ओके, इस ग्रुप में लेकिन इन न्यूली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज के अलावा अगर हम बाकी डेवलपिंग कंट्रीज, बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें, तो इन कंट्रीज के डेवलपमेंट में हमें एमएनसीज या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। ओके, बाकी कंट्रीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, इन एनआईसीज, इन निक्स कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ग्लोबल इनइक्वालिटी में भी कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ग्लोबल इनइक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो ये कहना कि एमएनसीज एक कंट्री के लिए प्रोग्रेस इंजन के जैसा काम करता है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ओके, लेकिन एमएनसीज का एक दूसरा पहलू भी है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में एमएनसीज और एमएनसीज के एक्टिविटीज को आप एनालाइज करें, तो आप ये देखेंगे कि एमएनसीज का कैरेक्टर, उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका नेचर, उनके काम करने का तरीका धीरे धीरे बदल रहा है। देखिए, पहले एमएनसीज का फोकस हुआ करता था डेवलपिंग कंट्रीज में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के ऊपर, एक्सट्रैक्ट करने के ऊपर, लेकिन अब एमएनसीज धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की तरफ रुख कर रही है, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर में एंटर कर रही है। अब इन एमएनसीज का टारगेट क्या है? अब इन एमएनसीज का टारगेट है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विस के लिए एक ग्लोबल मार्केट, एक ग्लोबल कंज्यूमर बेस तैयार करना। ओके, अब इनका ऑब्जेक्टिव, इनका टारगेट शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे। पहले क्या था? नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि अब ये एमएनसीज सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रही हैं। तो अब इनका टारगेट है कि ग्लोबल लेवल पर एक कंज्यूमर बेस तैयार करना, एक ग्लोबल मार्केट तैयार करना अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए। इन एमएनसीज के लिए अब ये मैटर करने लगा है कि जिस कंट्री में ये ऑपरेट करती हैं, जिस कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रही हैं, जिस कम्युनिटी में ये ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ उस कंट्री में उस कम्युनिटी के लोगों के बीच इन एमएनसीज का रेप्यूटेशन, इमेज अच्छा हो। तो अब ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने लगी हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करने लगी हैं। पहले की तरह नहीं कि रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया और चले गए, नहीं, अपने एक्टिविटीज़ को लेकर अब ये एमएनसीज, और मैं ये नहीं कहता कि सारी एमएनसीज, जो मेजर एमएनसीज है, जो मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स है, वे एमएनसीज अपने एक्टिविटीज़ को लेकर, अपने प्रैक्टिसेस को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो चुकी हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं। तो ये था एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।